अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नो बेक केक या मैंगो पुडिंग बोल सकते हैं। इस डिज़र्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी ये बनता है और बहुत आसानी से बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो आम ले लिया है और इसमें से ये 2 जो है फाइन चॉप करना है और 2 को रफली चॉप करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 मैंगो जो है चॉप कर लिया है और 2 ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में इनको रफली चॉप किया है, क्योंकि इनको मिक्सी के जार में डाल के हमको फाइन इनकी प्यूरी बनाना है। ये अपने चॉप किए हुए मैंगो में ये 1 टेबल स्पून मिला लेंगे कंडेंस मिल्क, और यहाँ पे अगर आपके पास शक्कर है तो शक्कर मिला लीजिए, कंडेंस मिल्क है तो कंडेंस मिल्क मिला लीजिए। और मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अब इस जार में मैं ये अपने मैंगो डाल दूंगी। अब ये 1 कप दूध हम इसमें डाल देंगे, पका हुआ दूध है, फुल फैट दूध है, और 1/2 कप और इसमें डाल देंगे, जो हो आपके पास वो डाल दीजिएगा, फ्रिज में रखा हो या बाहर रखा हो, रूम टेम्परेचर पे रखा हो वो डाल दीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे ये 1/2 कप जो है कंडेंस मिल्क। मैंगो में कंडेंस मिल्क दूध शामिल कर चुकी हूँ मैं और इसको अब ग्राइंड कर लूँगी। तो ये प्यूरी हमारी तैयार हो गई है और अब हम लेंगे एक सर्विंग डिश। और इस डिश में हमने ले लिए हैं ब्रेड की स्लाइस। इस ब्रेड के स्लाइस को हम इसमें डाल के और फौरन निकालते जाएंगे 1 बाय 1, नहीं तो ये स्लाइस जो है सोख लेंगे। ये इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। ये इस तरह से हमने यहाँ ब्रेड की स्लाइस जो है डाल दी है सर्विंग डिश में, और जो हमने ये मैंगो काट लिए थे इसकी 1/2 क्वांटिटी जो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है मैंगो को, और फिर से हमें स्लाइसेस को जो है डिप करके प्यूरी में डाल देना है। इसमें ज़्यादा देर तक रोकिएगा नहीं, नहीं तो सब सोख लेंगे ब्रेड। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हमको सारे स्लाइस इसी में फिर से अरेंज कर देना है। और अब फिर से हमें जो कटे हुए हमारे 1/2 आम बचे थे हमको इसी पे अरेंज कर देना है। हमने यहाँ पे ये क्रीम ले लिया है और ये इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट कर लेंगे। हाई स्पीड पे करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते। तो ये देखिए सॉफ्ट पीक्स हमारे क्रीम में आना शुरू हो गई है। क्रीम हमारी तैयार हो गई है और यहाँ पे अब मैं डालूंगी जो मैंने प्यूरी बचा ली थी, 1/2 कप ये प्यूरी मैं डाल दूंगी इसमें। और प्यूरी मैंने डाल दिया है इसमें जो बचा के रखी हुई थी, और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। आपकी क्रीम मीठी ना हो तो आप 4 से 5 टेबल स्पून डाल लीजिए कंडेंस मिल्क। और अब मैं इसको मिला लूँगी। क्रीम को हम इसी में पोर कर देंगे। क्रीम को मैंने पोर कर दिया है और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। मैंने गार्निश कर लिया है और मैंने अपने तरीके से किया है। आपके पास जो अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स, मैंगो या प्यूरी, कुछ भी आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, ये अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब मैं इसको रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज में। जब ये चिल्ड हो जाएगा तब खाने में इसका मज़ा आएगा। 4 घंटे के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था, बिल्कुल चिल्ड हो चुका है और अब मैं इसको सर्व करूंगी, क्योंकि ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है देखने में। कितना बेहतरीन, बहुत आसान तरीके से ये बनके डिज़र्ट तैयार होता है, झटपट बहुत ईजिली बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से डिज़र्ट बना लिया। कभी भी आपको डिज़र्ट खाने का मन हो तो इसको इंस्टेंटली बनाएं, अपने मेहमानों को और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आने वाला है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।